मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स. होप यू आर फाइन एट होम. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर ऑफ योर साइंस बुक चैप्टर नंबर 7. सो प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 81. बायोटिक कॉम्पोनेंट. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एबायोटिक कॉम्पोनेंट. ओके. इन दैट लाइट, temperature, water, air and soil and fire we have already studied. Today we are going to start biotic components. Biotic components kya hote hain, aaiye dekhe. The biotic components of our environment includes all the living things such as plants, animals and microorganisms. Jo biotic components hote hain वो क्या होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो प्रेजेंट होते हैं. दो दे आर लिविंग बींग्स, उन्हें लिविंग बींग्स भी कहते हैं. वी फाइंड मैनी डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर्स, अपीयरेंस, वेज ऑफ लिविंग एंड फंक्शन. हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अपीयरेंस उनका लुक बहुत डिफरेंट होता है, और वो लोग लिविंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे मूवमेंट करना, ईटिंग, स्लीपिंग, दे डू ऑल दिस एक्टिविटी वर्क. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दे आर लिविंग. ओके, एंड दे ऑल्सो रेस्पायर like plants, animals, microorganisms. We can't see by our naked eyes, but we can remember and we can assume by the microscope. Okay, in that you can see. We have already discussed few in table number 77.1. Let's see. See, living and non-living. Okay. उनके habitats कैसे होते हैं? Let's see. The place in the environment where an organism lives is called its habitat. जो भी organisms हैं environment में वो रहते हैं, उनको कैसे कहते हैं? Habitat कहते हैं. For example, the habitat of deer is forest. वो जहाँ रहते हैं उनको क्या कहते हैं? Habitat. Example है forest. डियर कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में रहता है. द हैबिटेट ऑफ लोटस इज पॉन्ड. जो हैबिटेट होता है लोटस का वो क्या होता है? पॉन्ड में. पॉन्ड में लोटस फ्लावर रहता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट विद ईच अदर. जो एबायोटिक और बायोटिक दोनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है. और जो स्टडीज होती है इस इंटरैक्शन की, इसको कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है. मत इको मींस एनवायरनमेंट, तो इसकी स्टडी होना इकोलॉजी, मतलब एनवायरनमेंट की स्टडी होना. एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करना या इंटरैक्शन करना, उनके बारे में बात करना, उन्हें हम कहते हैं इकोलॉजी. ओके. व्हेन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया इंटरैक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद द नॉन लिविंग फैक्टर्स. व्हेन वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया इंटरैक्ट विद ईच अदर. जो भी एनवायरनमेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक साथ रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, एज वेल एज नॉन लिविंग फैक्टर्स भी होते हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, लाइक एयर, वाटर एंड सोयल.
उनको कहते हैं इट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, उनको क्या कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, देखिए आपके पॉन्ड्स का फिगर दिया है आपकी बुक में, देखिए बुक में आपको फिगर दिया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आप इसको नेट पे भी देख सकते हैं। व्हाट आर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स, लेट्स सी। इन नेचर ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री बोर्ड्स कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स, प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। Producers are organisms which can produce their food. These includes green plants. जो producers होते हैं वो क्या करते हैं, include करते हैं green plants को। They convert energy from sunlight into chemical energy of food in the form of carbohydrate by the photosynthesis. जो भी consumer होते सॉरी प्रोड्यूसर होता है वो कैसे खाना बनाता है, सनलाइट के थ्रू खाना बनाता है और केमिकल एनर्जी में उस फूड को ट्रांसफर करता है और फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट बाय द फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल है ये। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं उनको वो खाते हैं या उनका खाना ले लेते हैं, उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। उसमें भी बहुत सारे होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी, तीन कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स कैन बी हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। When consumers are herbivores, they depend only on the green plant and their product for their food and they are called primary consumers. जो भी consumers होते हैं वो herbivores पे depend करते हैं, उनको कहते हैं primary consumers. Example deer, cow, etc. Secondary consumers are organisms which feed on the primary consumers. फॉर एग्जाम्पल कार्निवोर पे डिपेंड करते हैं। अनदर कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स इज ओमनीवोर, हु डिपेंड ऑन द हर्बीवोर एंड ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स। उनको क्या कहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फॉर फाइनली डीकंपोजर्स, लेट्स सी। डीकंपोजर्स include microorganisms like bacteria and fungi that decompose or feed on the dead remains of consumers and producers. These interactions can be found in any habitat. We can show such interactions in the forms of a pyramid. यहाँ पे आप इस पिरामिड को draw करोगे, okay? ओके ये देखिए एमसीक्यू, आप लोग अपनी बुक में टिक कर लीजिए। Thank you class for listening this video. Take care. Bye.